हाय एवरीवन दिस इज अनम वेलकम टू पी एच जॉब्स एंड एडमिशन सो आज के इस सेशन में मैंने रिसर्च मेथोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करे हैं फॉर योर अपकमिंग बीबीए यू पी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ट्वेंटी तो so, जैसे कि आज के इस वीडियो में मैंने जो एमसीक्यूज है क्योंकि कई स्टूडेंट्स के हमें हिंदी में भी एमसीक्यू so, समझा दिया सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है सो so, आप इस वीडियो को साथ साथ मैं आपको बता दू कि बीबीए के पी एच एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है आपका ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है पार्ट वन एंड पार्ट टू सो पार्ट वन में आपके जो फिफ्टी क्वेश्चन होते हैं ये रिसर्च मेथोलॉजी राज्य से पूछे जाते हैं और आपको एग्जाम को भी क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50 परसेंट मार्क्स स्कोर करना होता है अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने यूजीसी नेट सी एस आई आर आप जो भी एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई कर रखे हैं तो फिर भी आपको इस यूनिवर्सिटी का पी एच एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है आप यहाँ पर नहीं होते हो सो so, याद रखिएगा कि आपकी बीबीए के लिए जो भी पी एच डी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमने फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रखा है रिसर्च मेथोलॉजी पर जिसमें आपको हर एक टॉपिक पर वीडियो लेक्चर मिलने वाला है डिटेल में हमने सारा एक्सप्लेनेशन रखे है

फाइनली प्लस प्रैक्टिस पीडीएफ जो कि आपके रिवीजन का काम करती है सो so, हम आपको रिसर्च मेथोलॉजी के लिए ये सारा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप आपके बीबीएयू के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को इजीली क्रैक कर पाओगे और हम आपको गारंटी देते हैं अगर आप हमारा ये स्टडी मटेरियल फॉलो करते हो तो आप जिली आपका सिलेक्शन होने वाला है बीबीयू के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के में तो मैं आपको बता दूं कि कई स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक आता है कि हमारे इसी कंटेंट से उनको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे अब रिसेंटली टू टू थ्री यूनिवर्सिटीज का पी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था जिसमें हमारे इसी कंटेंट से स्टूडेंट्स को रिसर्च मेथोलॉजी के थर्टी टू फोर्टी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए थे सो याद रखिएगा हमारे इस कंटेंट को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है उस पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है नॉर्मल कॉल नंबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो सो so ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी जिससे कि आप वन क्लिक में ही सारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स नोट टेन फुलजेंड प्लस प्रैक्टिस पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश सो so, हमारा जो ये रिसर्च मेथेडोलॉजी का कंटेन है ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो एक्चुअल पी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो सारी चीजें हमारे इस रिसर्च मेथेडोलॉजी के कंटेन में हमने कवर करे हैं तो आपको हमारा अगर आप कोर्स परचेस करोगे अगर आप हमारा कोर्स फॉलो करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से हमारे रिसर्च मेथेडोलॉजी के कंटेंट में आपको प्रिपरेशन करना है कि आपको हमारे जो नोट्स है और जो मोक्टेस को एक वीक में कवर कर लेना है और ये जो थाउजेंड प्लस एमसी की 1000 plus MCQS PDF आप आपके के पर यूज कर सकते हो आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले और अगर आप आपके एग्जाम के इवन फोर टू फाइव आवर्स पहले भी इसको एक बार कर कर चले जाओगे तो आप एग्जाम में इजिली क्वेश्चन को मार्क कर, कर आ जाओगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी तो के कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं उन कई स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि उनको हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी तो के कंटेंट से डायरेक्टली एग्जाम में टेन टू ट्वेल्व क्वेश्चन पूछे गए थे सो तो हमारे इस स्टडी मटेरियल को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है याद रख के आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टेक्ट करना है और आप अगर मैसेज करते हो मैसेज करने के विद इन टू ट्वेंटी मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो जो के ग्लोबल ऑनलाइन ऐप सो इस ऐप आप पर आपको एक मंथ की वैलिडिटी मिलेगी और अगर आप एप पर जाते हो तो आपको डायरेक्टली वहां पर सारा कंटेंट इजिली अवेलेबल हो जाएगा और ऐप को डाउनलोड करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है सो so, वहां से आप हमारे ऐप को एक्सेस कर सकते हो एंड लेट्स बिगिन विदीडियो फर्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमें find out करने कि critical region कौन सा रिलेटेड है? है अब जब अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो रिसर्च में तो आप हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो या फिर आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हो या फिर रिजेक्ट करते हो सो so, आप क्या करते हो जब हाइपोथेसिस टेस्ट परफॉर्म करते हो जैसे जी टेस्ट टी टेस्ट एनोवा टेस्ट ये सारे टेस्ट में मान लीजिए आपका जो कर्व है कुछ इस तरीके से गिवन होता है इस कर्व में अगर आपके जो वैल्यूज है आपके जो एरर्स है इस रीजन में लाइक करते हैं तो आप क्या कहोगे इस रीजन को इस रीजन को हम कहते हैं रिजेक्शन रीजन जिसमें आप कहोगे कि क्रिटिकल वैल्यू आपके जो वैल्यूज है आपके जो एरर्स है अगर इस रीजन में लाइक करते हैं तो उसे हम कहते हैं रिजेक्शन रीजन अगर आपके वैल्यूज इस रीजन में लाइक करते हैं रिजेक्शन रीजन में लाइक करते है तो आप इस केस में आपके नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेते हो और अगर आपके जो वैल्यूज है आपके जो एरर्स है इस रीजन में अगर लाइक करें तो उस केस में आप क्या करते हो आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करोगे बल्कि एक्सेप्ट कर लेते हो सो रिजेक्शन क्रिटिकल रीजन कौन सा रीजन होता है ऐसा रीजन जिसमें आपके जो वैल्यूज है आपके जो एरर है इस रीजन में लाइक मतलब रिजेक्शन रीजन में लाइक जिस केस में आप क्या करते हैं आपके हाइपो नल नाइपोथिस को रिजेक्ट कर लेते हो सो क्रिटिकल रीजन वो रीजन होता है जिसे हम कहते हैं रिजेक्शन रीजन दट आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए रिजेक्शन नेक्स्ट वीन ऑफ दर्वेशन फिफ्टी सिक्स हंड्रेड थर्टी फाइव एंड फिफ्टीन इस क्वेश्चन में हमें कुछ ऑब्जर्वेशन गिवेन है कुछ डेटा गिवन है और उस डेटा का हमें मीन मीन फाइंड आउट करना है। so mean, जिसे हम एवरेज भी कहते हैं आपको इस डेटा के एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है अब मीन का भी फॉर्मूला होता है आपको मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है सो मीन का फॉर्मूला होता है सबमिशन ऑफ एक्सआई अपॉन एन सबमिशन का मतलब होता है एडिशन कि आपके पास जितना भी डेटा है जितने भी नंबर्स है उन सबको आपको ऐड करना होता है जैसे यहाँ पर हमारे पास जो भी डेटा है हम उसको पहले ऐड कर लेते हैं फिफ्टी प्लस सिक्सटी प्लस एटी प्लस हंड्रेड प्लस थर्टी फाइव प्लस फिफ्टी डिवाइडेड बाय एन एन का मतलब होता है टोटल नंबर्स टोटल ऑब्जर्वेशंस। So, आपके पास कितने टोटल नंबर है आपका हो जाएगा इन so, इन सारे इन सारे नंबर्स को को टर्म्स अगर आप ऐड करते हो, so आपका आंसर आ जाएगा सिक्स पॉइंट सिक्स तो इस केस में आपका जो मीन है आपकी जो इस डेटा के एवरेज वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी फिफ्टी सिक्स पॉइंट सिक्स करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट डैश आर सिंपली फैक्ट्स और रिकॉर्डेड मेजर ऑफ सर्टन फाइंड आउट करनी एक फेनोमिना uh, है, एक है जिसके आप रीडिंग लेते हो जिसको मेजर करते हो उसको रिकॉर्ड करते हो सो so, वो कौन सा ऑप्शन होगा हमें ये फाइंड आउट करना है सो so, वो ऑप्शन होगा आपका डेटा सो so, इस क्वेश्चन में आपको बस दो ही ऑप्शन में कंफ्यूजन होगी इंटेलिजेंस तो होगा नहीं क्योंकि ये um,

और इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं इंफॉर्मेशन हम प्रोसेस प्रोसेस्ड डेटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं अब प्रोसेस डेटा क्या होता है जैसे आपने कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली सॉरी कैसे आपने डेटा कलेक्ट कर लिया जैसे आपने सैंपल से डेटा कलेक्ट कर लिया सैंपल से डेटा को कलेक्ट करने के बाद उस डेटा का प्रोसेस करोगे मतलब उस डेटा में जो भी एरर्स है जो भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन है उसको आप डिलीट कर दोगे उसको आप डिलीट कर दोगे जो भी एरर्स है जो भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए उसको आप डिलीट कर दोगे और उस प्रोसेस डेटा को हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन सो इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं प्रोसेस डेटा प्रोसेस डेटा डेटा का प्रोसेस करते हो उससे कुछ मीनिंगफुल स्टेटमेंट बनाते हैं मीनिंगफुल कुछ थिंग्स बनाते उसे हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन बट डेटा क्या होता है डेटा एक ऐसा फेनोमेना होता है जिससे आप रीडिंग लेते हो उसको मेजर करते हो उसको रिकॉर्ड करते हो सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी डेटा नेक्स्ट वॉट इज द मीडियम फॉर द दब्जर्वेशन थर्टी फोर ट्वेंटी आपके जो डेटा होता है उसकी मिडिल वैल्यू को हम कहते हैं मीडियन अब इस क्वेश्चन में हमें मीडियन फाइंड आउट करना है गिवेन ऑब्जर्वेशन का सो so मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स याद रखना है अगर आप ये स्टेप्स याद रखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे कि मीडियन को किस तरीके से फाइंड आउट करना होता है तो so, मीडियन को फाइंड आउट करने का स्टेप वन होता है स्टेप वन में आप आपका जो भी डेटा होता है उसको आप अरेंज करोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके डेटा को आपको अरेंज करना है जैसे यहाँ पर आपका सबसे स्मॉलेस्ट डेटा नंबर है ट्वेंटी देन थर्टी देन थर्टी देन फोर्टी देन सिक्सटी तो आपने ये ऑर्डर में आपके डेटा को अरेंज कर लिया देन स्टेप टू में आप ये देखोगे कि आपको जो नंबर्स गिवेन है आपको जो डेटा गिवेन है वो ऑड है या फिर इवेंट है मतलब अब जैसे कि आपको ये डेटा गिवेन है इसमें कितने नंबर आपको काउंट करना है वन टू थ्री फोर फाइव मतलब आपको जो ये डेटा गिवन है ये ऑड है अगर सिक्स डेट और नंबर होता है सिक्स टू के बाद एक और होता है तो सिक्स होता है टोटल तो उस केस में आपका जो डाटा होता है वो इवेन होता है बट हमें जो डाटा गिवेन है इस केस में ये ऑड है अगर आपका डाटा ऑड है उस केस में आपकी मीडियन की वैल्यू अगर आपका डाटा ऑड होता है तो उस केस में आपकी मीडियन की वैल्यू सिर्फ एक ही होती है अगर इवेन होता है तो उस केस में आपकी मीडियन की वैल्यू दो होती है अब ये डेटा जैसे कि ऑड है तो यहाँ पर एक ही आपकी मीडियन वैल्यू होगी जैसे हम लेफ्ट से जा रहे हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर पर थर्टी फोर आ रहा है अगर हम राइट right से भी जा रहे हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड नंबर पर आपका थर्टी फोर आ रहा है तो ये, क्योंकि ये डेटा ऑड है और ऑड डेटा की मीडियन वैल्यू सिर्फ मिडिल वैल्यू एक ही होती है और इस केस में आपकी मीडियन वैल्यू हो जाएगी थर्टी फोर डेट्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी थर्टी फोर नेक्स्ट क्वेश्चन 10 5 इस क्वेश्चन में हमें mean और coefficient of variance की value है, और हमें स्टैंडर्ड डिशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है सो so, इस केस में आपकी मीन की जो वैल्यू है वो है 10 एंड आपके जो कोइफिशियंट ऑफ वेरिएंस की वैल्यू हम सीवी लिखते हैं उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 5.

सिग्मा तो हमें फाइंड आउट करना है जो कि आपका स्टैंडर्ड डिशन है, mu, mu की हमें है 10 and, um, आपको क्रॉस so, मल्टीप्लाई करना है सो सिग्मा इज इक्वल्स टू टेन इंटू फाइव इंटू 5 अगर आप करते हो तो आंसर आ जाएगा आपका 50 सो स्टैंडर्ड डिविएशन की आपकी वैल्यू आ जाएगी इस केस में 50 सो so, यहां पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट इस क्वेश्चन में में करना है, है, अगर आप statistical test perform कर रहे हो, सो statistical test में कौन सा ऐसा होता जिसमें आप अज्यूम करते हो कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल नहीं होगी तो आपको याद रखना है जैसे कि हाइपोथेसिस में हम सिर्फ और सिर्फ नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं या फिर आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट कर लेते हो सो नल हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं सो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज करते हो सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट परफॉर्म करते हो स्टैटिस्टिकल टेस्ट के टू टाइप्स होते हैं आपका एक होता है पैरामीट्रिक टेस्ट एंड दूसरा होता है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पैरामीट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसमें आप अज्यूम करते हो कि आपकी जो पॉपुलेशन है आपके जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल होगा आपकी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन आप पैरामेट्रिक टेस्ट में अज्यूम करते हो कि नॉर्मल होगा और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आप ऐसा कोई अज्यूम नहीं करते हो सो तो पैरामेट्रिक टेस्ट में आप अज्यूम करते हो कि आपकी जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगा सो so, पर आप पैरामेट्रिक टेस्ट में आपके कौन कौन से टेस्ट आ जाते हैं एफ टेस्ट आपको यहाँ पे देखना है एफ टेस्ट एनोवा टेस्ट टी टेस्ट और जी टेस्ट भी आ जाता है लेकिन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आपका आता है कास्क्वायर टेस्ट यू टेस्ट एंड एच टेस्ट तो इस क्वेश्चन में भी हमें यही पूछ रहा है ऐसा कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जिसमें आप वो कौन सा ऐसा टेस्ट यूज करते हो जिसमें आप ये आज्यूम नहीं करते हो कि आपके पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल नहीं होगा सो so, वो सिर्फ और सिर्फ आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में यूज करते हो कि आपका जो पॉपुलेशन है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं होगा सो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आपका आता है टेस्ट काय टेस्ट एक ऐसा नॉन statistical टेस्ट में, में आपका chi स्क्वायर टेस्ट आता है जिसमें आप assume करते हो कि आपकी जो पॉपुलेशन है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं होता है सो so यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट विच इज दिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको ये बता रहा है कि आपका जो डेटा है किस तरीके से डिस्पर्ज है किस तरीके से स्प्रेड आउट है ओके अब वन वन बाय हम देखते हैं ऑप्शन ए स्टैंडर्ड डिविएशन जैसे कि हमें पता है स्टैंडर्ड डिविएशन को हम सिग्मा से करते है. उसी तरीके से उसी तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ वेरियंस को जैसे हमने अभी देखा फॉर्मूला सिग्मा अपॉन म्यू होता है तो यहां पर सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन एंड म्यू का मतलब होता है मीन ओके okay. जैसे कि आप देख रहे हो स्टैंडर्ड डिवेशन और वेरिएंस ये दोनों भी दोनों की वैल्यू एब्सोल्यूट है मतलब इसमें सिर्फ और में, आपका जो सिग्मा है जो स्टैंडर्ड डिविएशन है इट इज रिलेटिव टू मीन ये आपका मीन से रिलेटिव है ओके okay? आपका एब्सोल्यूट नहीं होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आपका स्टैंडर्ड uh, डिविएशन से रिलेटिव होता है स्टैंड रिलेटिव टू मीन ओके मीन से रिलेटिव होता है सो so, इसी क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपका हो जाएगा

Which of the following is the non random method of selecting samples from a population. इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि ऐसे कौन से सैंपलिंग है ऐसे कौन से सैंपलिंग टेक्निक है जिसमें आप पॉपुलेशन में से मेंबर्स को पॉपुलेशन में से सैंपल्स को नॉन रैंडम मेथड से नॉन रैंडम वे से सेलेक्ट करते हो। नॉन रैंडम मेथड मतलब क्या होता है जिसमें आप रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सेलेक्ट नहीं करोगे बल्कि आप आपके कन्वीनियंस पर्पस और जजमेंट के बेसिस पर से पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट कर लोगे तो so, याद रखिएगा जैसे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आप रैंडमली पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट कर लेते हो

आपके पर्पस आपके जजमेंट और नॉन रैंडम वे से पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट कर लेते हो सो so, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अब कोटा सैंपलिंग में आप किस तरीके से पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करते हो आप हमें डायग्राम के थ्रू देखते हैं सो so, ये आपकी हो जाएगी पॉपुलेशन सो कोटा सैंपलिंग में आपके पास बहुत लार्ज अमाउंट में पॉपुलेशन होती है और आपका कोटा सैंपलिंग में आप क्या करते हो आपके पर्पज आपके कन्वीनियंस के बेसिस पर से पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करते हो और नॉन रैंडम वे से नॉन रैंडम मेथड यूज कर कर आप पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट कर लेते हो जैसे इस पॉपुलेशन में मेन है विमेन है तो सारे एज ग्रुप के लोग हैं अब मुझे यहाँ पर स्टडी करना है मेरा पर्पस ये है कि मुझे ऐसे मेल्स पर स्टडी करना है जिनकी एज अब फोर्टी है तो मैं इस पॉपुलेशन में से सिर्फ और सिर्फ मेल्स को सिलेक्ट करने वाली हूँ ये तो कंफर्म है और ऐसे मेल्स जिनकी एज अब फोर्टी है अब इसी के साथ साथ मैं ये भी देखूंगी कि मुझे किस पर्सन से किस मेल से मुझे इंफॉर्मेशन मिल सकती मुझे data मिल सकता है so, मैं अपने purpose और अपने convenience के basis पर, से, अपने और के के पर पर से इस मेंबर्स को सिलेक्ट कर लूंगी इस मेंबर को सेलेक्ट कर लूंगी और इस मेंबर्स को सिलेक्ट कर लूंगी और ये सारे मेरे सैंपल्स बन जाएंगे और इस सैंपल्स पर मैं अपनी स्टडी परफॉर्म करूंगी तो आपको ये याद रखना है ऐसा ऐसी

न्यू स्टैंडर्डेशन की ओल्ड की वैल्यू हमें उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एक्स आई माइनस इस बार द होल स्क्ड बान अब इस क्वेश्चन में हमें बताया है कि स्टैंडर्ड डिवेशन ऑफ अ सेट 50 ऑब्जर्वेशन

ओल्ड सिग्मा आपका आ जाएगा सिग्मा ओल्ड एट ओके अब हमें ये ये दिया है आपको बस ये अपने स्टेटमेंट स्टेटमेंट फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया अब स्टेटमेंट आपको गिवन है इफ ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय टू सारे ऑब्जर्वेशन को हमने टू से मल्टीप्लाई किया देन न्यू वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविशन नई वैल्यू क्या हो जाएंगे स्टैंडर्ड डिविशन के हमें ये फाइंड आउट करना है सो so ओल्ड को हमें ध्यान ही नहीं देना है बस हमें ये याद रखना है कि स्टैंडर्ड डिविजन हमें इतना स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला ये हो गया अब ये स्टैंडर्ड डिविएशन आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ क्योंकि यहाँ पर हमें बताया है कि हर एक ऑब्जर्वेशन का हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है सो ये हो जाएगा आपका टू एक्स माइनस टू बार द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन अब टू एक्स माइनस टू बार स्क्वायर यहाँ पर हम टू कॉमन ले सकते हैं सो यहाँ पर आपको

ये आप देख रहे हो एक्स आई माइनस एक्स स्क्ड बाई एन ये आपका सिग्मा ओल्ड था और सिग्मा ओल्ड हमें कितना गिवन है एट टू इंटू एट हो जाएगा आपका सिक्सटीन सो so, इस केस में आपका क्या हो जाएगा न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन न्यू आपका जो सिग्मा न्यू हो जाएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी सिक्सटीन जिस आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट

कोटाइल डिविएशन क्या होता है पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कोटाइल डिविएशन आपको अगेन कोटाइल डिविएशन है आपका जो डेटा है डेटा किस तरीके से स्प्रेड है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है डिविएशन so, भी आपको यह बताता है आपका डेटा किस तरीके से स्प्रेड आउट है अब हमें इस क्वेश्चन में कोटाइल डिविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो कोटाइल डिविएशन कोटाइल आपको नेम से मीनिंग पता होना चाहिए कोटाइल मतलब फोर मतलब आपका जो क्वार्टाइल डिविएशन होता है उसमें जो आपका डेटा होता है कुछ फोर पार्ट में डिवाइडेड होता है आपका जो डेटा होता है फोर में डिवाइडेड होगा Q1, Q3 एंड Q4 आ, इस तरीके से सॉरी Q1, Q2 एंड Q3 अब आप जब भी क्वार्टाइल डिविएशन कैलकुलेट करते हो क्वार्टाइल डिविएशन जिसे हम लिखते हैं क्यू डी उसका फॉर्मूला होता है क्यू थ्री माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाई टू जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब Q1 की वैल्यू आपको गिवन है 22.16 एंड थर्ड क्वार्टाइल आपको थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू गिवन है 56.36 सो so हम इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ सब्सिट्यूट करेंगे Q3 की वैल्यू आपकी है 56.36 माइनस Q1 की आपकी वैल्यू है 50 सॉरी 22.16 डिवाइडेड बाय 2 तो यहाँ पर आपको इसको सब्सिट्यूट करना है सब्सिट्यूट करने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी थर्टी फोर पॉइंट टू डिवाइडेड बाय टू तो थर्टी फोर पॉइंट टू डिवाइडेड बाय टू का आंसर आपका हो जाएगा सेवनटीन पॉइंट वन So, यहाँ पर आपकी जो कोटाइल uh, डिविएशन है कोर्टाइल डिविएशन ये बताता है आपका जो डेटा है कितना स्प्रेड आउट है सो so, इस केस में आपका जो डेटा है वो सेवन सेवनटीन पॉइंट वन परसेंट स्प्रेड है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सेवेंटीन पॉइंट वन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गुड लक विद प्रिपरेशन एंड सी यू टूमोरो विद अनदर वीडियो